मन नारायण दोस्तों, मैं मंजू सती अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सब कुशल होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दिन की शुरुआत होती है, ब्लॉग भी थोड़ा देर में शुरू कर रही हूँ क्योंकि दोस्तों इतना काम हो जा रहा है, इतना काम हो जा रहा है घर में। एक तो मंदिर के सारे कपड़े वपड़े धोए, आज सफाई करी, फूल वगैरह सारे धोए, मंदिर वहाँ पे लगाया, शिफ्ट करा, जो मैंने आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाई दिया है। और आज पूजा पाठ भी ऐसी रही, खाली कान्हा जी की करीब है, कान्हा जी का भोग लगाया और बाकी भगवान जी तो रखे हैं। मंदिर वगैरह शिफ्ट कर लूँ उसके बाद ही करूंगी। आजकल मैं 2 दिन मंदिर को ढंग से सजा सुजू के डेकोरेट करके परसों शिवरात्रि के दिन शुभारंभ करूंगी मंदिर का, भगवान जी का मनन स्मरण पूजा करूंगी क्योंकि 8 तारीख को शिवरात्रि है। तो उसी दिन यादगार पल बनाऊंगी भगवान जी के मंदिर को डेकोरेशन करके। फिलहाल मैं घर के कामों में निपटाती हूँ, रसोई घर में, और बच्चों का भी आने का टाइम हो रहा है, उनके लिए भी खाना बनाती हूँ। भाई का फोन आया कि दीदी मैं भी आऊंगा और जल्दी आऊंगा, तो खाना जल्दी रेडी करना। बस करती हूँ खाने की तैयारी, और काम वाले भैया लोग भी काम हम कर ही रहे हैं। अभी लगेगा काम में भी का एक आध दो हफ्ता, जो भी दूसरा कुछ बनेगा आपके साथ शेयर करूंगी। और फिलहाल फटाफट जल्दी बनाती हूँ खाना। दाल तो मैंने बॉईल की है, छोंकती हूँ। खाना बना दिया मैंने रेडी, और बच्चे भी स्कूल से आ गए, अनीता आ गई थी तो हम लोग गपशप मारने लग गए। और बनाई है ये मिक्स दाल, और बच्चे मेरे खाना शुरू करने लग गए, दाल चावल खा रहे मेरे दोनों बच्चे। एक बार बताओ पहले पेपर पर कैसा गया, बताओ दोनों जने। इतना बेकार। तुम सही बताओ बेटा, ऐसा है देखो सब पेपर। अच्छा गया ना गुन्नू का भी? अच्छा गया। मुझे गुन्नू की टेंशन हो रही थी क्योंकि सुबह कह रही मम्मा आज मेरा फिजिक्स का एग्जाम है, तो यही टेंशन हो रही थी, लेकिन अच्छा गया, खुशी की बात है। इसी उपलक्ष्य में मैंने इनके लिए बनाई मस्त दाल चावल, खाओ। कर रही हूँ, आया नहीं अभी तक, कब तक आता है, थोड़ी देर और वेट करती हूँ, नहीं तो मैं भी खाती हूँ उसके लिए, रख दूंगी, जब आएगा तो वो खा लेगा। खा पी के हो गए रेडी, सारे काम फाइनल हो गए हैं, खाना भी खा लिया, बर्तन भांडे, और काम वाले भैया उनको चाय भी दे दी। और 1 घंटे मैं जा रही हूँ कीर्तन में, उन्होंने कीर्तन एकादशी के कीर्तन करवा रखे हैं, एकादशी है, एकादशी उनके घर पर, उन्होंने बोला कि 4 कीर्तन कर दो मेरे घर में, हमने कहा ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं वहीं की मौज मस्ती और इन्जॉय आपको दिखाती हूँ। चलो चलते हैं वहीं कीर्तन में। आप भी मेरे ब्लॉग के माध्यम से मस्ती कीजिए, मजे कीजिए, देखिए और हंसिए, हंसाइए। कीर्तन भजन करने आए हैं। कीर्तन भजन नहीं कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर आए हैं मेन्यू लेके कि क्या खाएंगे आप बताइए। आप आज क्या खाएगी बताइए, कमेंट में डालिए। बताइए कमेंट में, तो फिर कब मिलेगा? हमारे घर में साई दादी आई है, हमारी मंजू दादी आई है, सबसे अच्छी दादी आई है। बताइए आप मेन्यू में क्या लेंगे? क्या लेंगे बताओ, बताइए भैया। हम तो पिज्जा विजा ना खाते, कुछ भी खाएगी मंजू। मंजू दादी से पूछो क्या लेना आपको, स्पेशली मंजू दादी आई है उसके आज। आलू पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, मूली पनीर पराठा, पनीर पराठा, कहीं दादी पनीर नहीं भी बन जाएगा पराठा, पनीर पराठा, पनीर पराठा, ओके, दो पनीर पराठा, वेटर, देखो मम्मा को बोल रहा है, मस्ती, बहुत मजा, अभी मम्मी को बहुत प्यार करता है हमसे बच्चा। जय श्रीमन्नारायण। रेखा दीदी के घर आए हैं, चार भजन गाते हैं। हमारा एकादशी का व्रत है मेरा और लता जी का, और बाकी ये दो हैं हमारे साथ में, ये खाने के लाए, देखो खाओ खाओ खाओ, सब हमारे लिए है, सब हमारे लिए, और मंजू के लिए सब हमारे लिए है ना। और प्रणव ऊपर से लिस्ट लेके बार बार मेन्यू पूछने के लिए आ रहा, क्या खाओगे क्या खाओगे? दही पराठा और मंजू आंटी ना वाला कीर्तन गाओ तो मुझे याद है, मैंने कहा आप सुनाओ, चलो गाओ फिर मैं शेरावाली का कीर्तन हमारे अंगना, जोतावाली का कीर्तन हमारे अंगना, मैया के कीर्तन में दीनू भी आई, मैया के कीर्तन दिया भी लाई, दिया भी लाई संग जोते भी लाई, दिया भी लाई संग बाती भी लाई, जोते कीर्तन करेंगे हमारे अंगना, आज कीर्तन करेंगे हमारे।
तने हमारे अंगना। दोस्तों देखो बहुत अच्छे से कमेंट करना और लाइक करना प्लीज। इतना अच्छा सुंदर भजन गाया है हमारे नन्हे से, देखो हमने इनका साथ दिया और इतने छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे ने इतना प्यारा भजन गाया और कमेंट करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना और मजा आ गया। क्लैपिंग करो भैया सब लोग। बसा ले वृंदा
आई, चाय पानी बनाई, बर्तन वर्तन धोए, सब्जी काटी, थोड़ी सी मंदिर का सामान लेके आती हूँ, मार्केट जाती हूँ, देखती हूँ बिछाने बिछाने के कपड़े लेके आती हूँ। क्यों, मैंने बताया आपको जैसे कि परसों शिवरात्रि है तो तैयारी भी करनी है, मंदिर नया है तो उसके लिए थोड़ा बहुत सामान लेके आती हूँ, बिछाने के कपड़े वपड़े, फिर आके की दिनचर्या शुरू करती हूँ। पीके हो गए हैं रेडी, कद्दू की सब्जी बनाई, उसका रोटी बनाई और खाना पीना खा लिया, खिला दिया। कल मिलते हैं आपको एक नई उमंग, नई तरंग और नई ताजगी के साथ। प्लीज मेरे ब्लॉग को खूब शेयर करें, लाइक करें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें। ब्लॉग को करते हैं पर एंड। जय श्रीमन नारायण।